हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो अगर आप अपने प्ले स्कूल में रखेंगे तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से आप यूज कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज? एज अ थंबनेल तो आपने देख ही ली होगी। माइक को कैसे यूज करना है, कैसे स्कूल में हम इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से यूज कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और पेरेंट्स को ये एक्टिविटीज कैसे लगती है, तो डिटेल वाइज हम माइक के बारे में बात करेंगे। क्या हमें इनिशियल लेवल से माइक एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए? विदाउट एनी फॉरगेट डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हाय एवरीवन, आई एम शीतल और मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ प्ले स्कूल खोलने की रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपका भी सपना है प्ले स्कूल खोलने का तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं कि आप अपना खुद का काम, खुद का प्ले स्कूल कैसे खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल बजट पे। तो अपने घर से भी आप प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेंट पे जगह है या फिर कोई हॉल है तो सभी चीजों को हम एक स्कूल के वे में यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस ला चुकी हूँ और प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दी है। सबसे पहले जो है मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से शो होगा। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे होम वीडियो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी देखिए कितनी सारी आपकी प्लेलिस्ट बन गई है आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट है तो उस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। लाइक मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम हमें स्कूल खोलना है तो हमें कौन कौन सी जो है इसमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 33 वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें थिंक यू शुड नो बिफोर ओपन अ प्ले स्कूल। तो स्कूल खोलने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन बातों को आपको जानना ज़रूरी है एक ओपन करने के लिए प्ले स्कूल, तो ये आप वीडियोज़ देखेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगी। और कितने इतने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, तो सभी चीज़ों को मैंने इसमें अच्छे से बताया है। इसको आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो कई लोग पूछते हैं हम एडमिशन ग्रोथ कैसे करें, हमने स्कूल खोल लिया है। तो देखिए दीज आर द वीडियो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप अपने एडमिशन ग्रोथ करें स्कूल में। तो देखिए कुछ टिप्स हैं इसके अंदर, आप इसको सारी देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगी। लाइक अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कराइए, एडमिशन के टाइम आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये देख सकते हैं। हाउ टू डिसाइड एडमिशन क्वेरी टाइम, तो कैसे हम एडमिशन क्वेरी टाइम भी रखते हैं कि इस टाइम पे जो है पेरेंट्स आएंगे, तो इस तरीके से जो है आप इनको वीडियोस को देखेंगे तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो और प्लेलिस्ट की बात करूँ तो डिफरेंट रूम सेट प्ले स्कूल में कितने रूम्स होते हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, इंटीरियर कैसे रखना है और ईजी वॉल डिज़ाइन, कैसे हमने रूम को बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन टिप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ये मेरे पास बहुत बार कमेंट आया है कि मैम हम पूरे साल में कौन सी एक्टिविटीज़ रखें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें और कौन कौन से क्राफ्ट वगैरह कराएं, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देन है फीस आइडिया, फ़ीस के लिए भी काफ़ी आता है कि मैम क्या फ़ीस रखें, तो फ़ीस की अगर देखेंगे तो 4 वीडियो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि एडमिशन फ़ीस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है और अपनी कैसे आप मंथली फ़ीस रखें, कैसे आपको फ़ीस जो है टाइम से भी लेनी है। कैसे कई लोग बोलते हैं मैम टाइम से फ़ीस नहीं देते पेरेंट्स, तो कुछ टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी देखना टाइम से फ़ीस भी आने लग जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन स्टार्टिंग व्हाट यू नीड टू नो, मतलब स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सी बातों का पता होना चाहिए, तो ये आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट है लाइक नर्सरी ऑनलाइन क्लासेस, तो जो टीचर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगी ये, और अगर आपके स्कूल में टीचर्स हैं तो उनको भी आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं और उनको वॉच करने के लिए कहिए। कुछ टिप्स मैंने शेयर किए हैं कि कैसे आपको पढ़ाना है क्लास में, कैसे करना, और डे बोर्डिंग का काम भी कई लोग पूछते हैं कि डे बोर्डिंग का काम क्या होता है, तो ये 5 वीडियो मैं डे बोर्डिंग पर ला चुकी हूँ। बाकी अगर कोई और क्वेरी है रिगार्डिंग डे बोर्डिंग या किसी भी टॉपिक पे तो मुझे किसी की वीडियो पे आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट में आप कोई भी अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं कि आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो गाइस देखिए आप इस तरीके से इन प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए और आपके डाउट डेफिनेटली जो है दूर होंगे। तो आप खुद से सर्च आउट भी कर सकते हैं, जैसे स्कूल फंक्शन, तो स्कूल फंक्शन में कुछ कुछ जैसे लाइंस होती हैं, तो ये स्कूल फंक्शन एक्टिविटी एंड DIY आइडियाज़, तो ये मेरी डॉटर की कुछ वीडियोस हैं जो स्कूल में इसके फंक्शन में हुई थी, तो ये हेल्प करेगी आपको। तो ये जो है प्राइमरी पोर्शन के ही हैं, तो इस तरीके से आपको ये प्लेलिस्ट हेल्प करेगी।
तो सबसे पहले बताना चाहूंगी गाइस कि माइक की स्कूल में बहुत ही जरूरत होती है। मैं सभी लोगों को जो मेरे से ऑनलाइन प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, मैं उन लोगों को भी माइक जो है, चाहे वो घर से खोल रहे हैं, चाहे उन्होंने रेंटल पे जगह ली है, चाहे कोई हॉल लिया है, या फिर प्रॉपर अच्छे से बिल्डिंग सेटअप किया है, सभी लोगों के लिए माइक एक्टिविटी मैं कंपलसरी करती हूँ। क्योंकि माइक की जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं है, हर रेंज में माइक जो है हर सिटीज में अवेलेबल है। तो अगर आपका बजट कम भी है तो आप जो माइक है इस रेंज तक भी खरीद सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आपको माइक मिल जाएंगे मार्केट में। नियर बाय कहीं भी टॉय शॉप पे या फिर कोई होलसेल मार्केट है किड्स की, तो वहां पे आपको इस तरीके का सामान इजीली मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि माइक को हमें कैसे यूज करना है। तो देखिए गाइस, माइक को आप स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। लाइक आप कोई माइक एक्टिविटी रख सकते हैं, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन, कोई राइमिंग कॉम्पिटिशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर अगर आप लाइनें देंगे, तो बहुत सारे वे से आप जो है माइक एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करना है, कितने कितनी लाइंस बुलवानी है। तो प्ले ग्रुप में थोड़ी बहुत लाइन बच्चा बोलता है, एलकेजी एंड यूकेजी में थोड़ी सी लाइन ज्यादा बोल लेता है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो पहले ला चुकी हूँ कि आप माइक एक्टिविटी को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्टिविटी को स्कूल में कैसे करवाएंगे। और आगे आगे मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आप मल्टीपल एक्टिविटीज अपने स्कूल में रख सकते हैं। तो माइक मैं सभी को रिकमेंड करूंगी अपने स्कूल में रखिए, चाहे आप घर से चला रहे हैं, चाहे आप रेंटल पे ले रहे हैं, चाहे पे आप कहीं भी स्कूल खोला है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग इतनी नहीं होती कि कोई लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाए। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के माइक आपको मिल जाएंगे। सो गो एंड सर्च आउट, ये छोटी सी वीडियो है बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप माइक अपने स्कूल में जरूर रखिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराइए। तो फिर देखिए आपके स्कूल की जो ग्रोथ है वो अलग ही लेवल पे होगी। और मैं बहुत सारे स्टाइल पे वीडियो शेयर करती हूँ कि अपने स्कूल में किड्स की, तो अपने स्कूल में स्टूडेंट ग्रोथ आप कैसे करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज से पेरेंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आपके स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, बच्चों को ओरल बुलवाने की जो वेज है, लाइक माइक में आप ओरल बुलवाएंगे, चाहे काउंटिंग बुलवाइए, चाहे कलर्स में, कुछ भी, क्योंकि माइक जो है उन्हें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और जो पेरेंट्स है यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो झिझक होती है वो राइट टाइम पे दूर हो। तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करता है कि उन्हें माइक पब्लिक स्पीकिंग वाले जो है उनको चांस दिए जाए। तो बच्चों को इस तरीके से आप एक्टिविटीज कराएंगे तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सबके सामने बोलने की, और बच्चों को इस तरह से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। तो माइक एक्टिविटी को आप अपने स्कूल में जरूर रखे गाइस। तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर न्यू है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना है गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।